अब जली हुई आग मेरे चेहरे पर नजर आ रही है, कितनी ज्यादा आग जल रही है। दो दो कंबल ही पहन लेना फिर इसके ऊपर कंबल ही। सीरियसली दिखा दो सही एक बार बेटा, ऐसी बात नहीं है, भर सकते हैं हम पैसे, ऐसी बात नहीं है, वहां पे तेरे को दिला देंगे कुछ यार, मतलब ऐसे क्या बात है। फॉर रियल का क्या मतलब है? हाँ ले जा, लेट्स सी वेदर यू कैन स्नीक इन ऑल दिस और नॉट। नहीं सीरियसली तू यही यही पहन के जा रहा है पक्का? वैसे होना तो ऐसे ही चाहिए, लाइफ में जीना ऐसे ही चाहिए, कोई कुछ बोले कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें जैसे जीना वैसे जीना। सैम यू आर अ बिग इंस्पिरेशन फॉर मी। सबसे पहले आप सबको हैप्पी लोहड़ी, लोहड़ी का त्यौहार है आज, और आज हम मंदिर जाएंगे शाम को, वहाँ पे लोहड़ी का बहुत बढ़िया पूरा आग वाग जलाई जाएगी वहाँ पे। लेकिन छुट्टी आज, तो बच्चों को लेके जा रहे हैं अभी फिल्म देखने के लिए, सो इसीलिए समक्ष ने क्या किया, अपने ना छुपा लिए हैं, क्योंकि सिनेमा हॉल में अपने स्नैक्स अलाउ नहीं करते ना, मैंने पहले छुपा लिए। नाइट सूट पहन के जा रहे हैं। Does it look like I have snacks? No, नहीं, कोई देख के नहीं बता सकता कि कितना माल तूने छुपा रखा है अपने नीचे। लेट हो रहे हैं, किड्स आर गोइंग टू वॉच दी वोंका मूवी, वोंका, विली वोंका। जैकेट एक्स्ट्रा रखी है, शाम को ठंड हो जाएगी थोड़ी सी। आपकी नहीं रखी, मैंने अपने बच्चों। चलो रख लेते, अपने बच्चों की रख लिया, अपने पति की नहीं रखी, वेरी बैड, वेरी बैड। चलो जितनी कोशिश ये वाले गाने सुन सुन के बड़े हुए हम। ओहो अन्नू मलिक, तू मिले, मैं मिला, मिला तू मिली, तू मिली मैं मिला, दुनिया जले तो जले। बेटा ये गाने सुन सुन के चीखू कह रहा, आपको लिरिक्स ऐसे बता, ये गाने सुन सुन के बड़े हुए हम, खासकर अन्नू मलिक की जो आवाज है ना वो नहीं भूल सकते। मैं मिला ओए, ये क्या गाने आ रहे हैं यार आजकल, मस्त चुन चुन के ला रहा है एप्पल म्यूजिक गाने हैं। नहीं नहीं मैंने तो ऐसे मैंने लगाए थे दिल से के गाने, ये देख लिखा हुआ ना दिल से लिखा रहा नीचे, मैंने दिल से के गाने लगाए थे, वो अपने आप ना रेडियो में अगले अगले बजते रहते हैं। मतलब जब हम हाँ जब हम छोटे थे ना ये गाना सुनना अलाउड नहीं होता था, कह रहे क्या गंदे से गाने, मतलब रेडियो पे भी चल रहा हो ना कभी, चलो बंद करो इसको। जमाना अब जमाना बदल गया है थोड़ा सा है ना। यस समझ कर, अब तुम हमारे को, अब तुम हमार को बोलते हो ये गाने मत सुनो। हाँ हम भी बोलते हैं भाई, जो गाने हमें लगता है कि इनअप्रोप्रिएट रहे बच्चों के लिए, हम बोलते हैं इनअप्रोप्रिएट है। पापा, कोई इनअप्रोप्रिएट नहीं है, you just don't like the song, that's why you say no, 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 sometimes some songs are inappropriate for kids. But the song is too hard. बच्चों क्या पता चले गाने का क्या मतलब है। McLaren उत्तरी कौन सी होती है? मैकलेरन बड़ी महंगी गाड़ी है, 3-4 लाख डॉलर की, आगे बेंटली है। ये जगह मेरे को बहुत बढ़िया लगती है, खुली खुली जगह है, ऊपर से इसका नाम है इंडियन लैंड। क्या हाल है भाई? एकदम बढ़िया, छुट्टियां सर मना रहे हो? कांश लोहड़ी और छुट्टियां दोनों। हाय कांश, हाई फाइव जी। ये कैसा हाई फाइव है यार? इनके लिए ना कोई वो नहीं है, इन्होंने रखी बिल्कुल दरवाजे के सामने गाड़ी। तेल जगह की वैल्यू बढ़ेगी मेरी गाड़ी बाहर खड़ी। फिर समक्ष कोई दिक्कत तो नहीं हुई? सीवीड लेकर आए। फोन में लगा हुआ था पूरा टाइम, मैं सो भी गया था बीच में। चल तेरे को शुरू में आए थे ना 15-20 मिनट, समझ नहीं आ रहा। ओके ऑफ टू द टेंपल नाउ, roughly 37 minutes to the temple. Okay, हम लोग रुके हैं अभी DSW में, यहाँ पे जूते मिलते हैं, लेकिन जूते के लिए नहीं जाना, हमने यहाँ पे किस लिए जाना है? समक्ष अर्जेंटली नीड्स टू गो 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 फाइंड फाइंड।
ओके आई थिंक आई टेक माई वर्ड्स बैक. लुक लुक मम्मा के हाथ में कुछ तो है. ये सब बहाना था. ये सब इतनी बड़ी चाल थी. हमारे अगेंस्ट षड्यंत्र रचा गया. अरे अगेंस्ट षड्यंत्र रचा गया. वो उसको वॉशरूम जाना था कि तेरे को जूते की शॉपिंग कर दी. सीरियस है तू? सीरियसली? I got these. How much? Why? I don't know how much. कोई इतनी तगड़ी सेल होगी जो तू अंदर वो वॉशरूम गई थी तेरे में उठा के ले भी आई है तू. $5, $10, $50 कितना? $12. सही है. मौज है. समक्ष अभी फिर जाना दोबारा जाना वॉशरूम रास्ते में कहीं. यहाँ पे कहीं होना था लोहड़ी का प्रोग्राम. यहाँ दो चार लोग तो नजर आ रहे हैं लेकिन ऐसे कुछ नहीं लग रहा कि भाई फायर वगैरह यहाँ पे जलाई जाएगी. और आई डोंट नो व्हाई पार्किंग आधी से ज़्यादा पार्किंग ब्लॉक है. जो मेन कॉम्प्लेक्स है वहाँ पे हमारे को पार्किंग भी. वो ये इतने सारे प्लेन कैसे जा रहे हैं? लो वो मुझे लग रहा था हम लेट आए होंगे. हम इतनी जल्दी आ गए. भाई यार तेरे लिए मलकीत सिंह के गाने लगवाए हैं यार. मैं नाच भंगड़ा कर थोड़ा सा तो कर. तूने वो देखा है क्या बोलते हैं एप्पल विजन प्रो आने वाला है? उसकी बुकिंग स्टार्ट हो गई है ना. 19 पता कितने का रिलीज कर रहे हैं? 3500 ले रहे. दो टिकटे आ जाएंगे लिया जी. तो जी फाइनली लोहड़ी चलाई जा रही है. एक्सटिंग्विशर भी लेकर आए. हैप्पी लोहड़ी. पूरे सीजन की जो सर्दी है ना वो आज उतर जाएगी. पूरे सीजन की सर्दी. थैंक यू सो मच. थैंक यू. बढ़िया गरम गरम लग रहा है. सर्दी वैसे बोलते हैं लोहड़ी आई और सर्दी गई. हाँ हाँ चलो चलते चलो चलते चलो. बड़ी गर्म है भाई बहुत. चलते चलो जी. गर्म 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 गर्म. हाँ जी ऐसा लग रहा है सिर्फ इसी तरफ गर्म लग रहा है. इस तरफ बहुत ठंडा है. अब जलिए भाई आग मेरे चेहरे पर नजर आ रही है कितनी ज़्यादा आग जल रही है. अब देखो भाई क्या जबरदस्त बड़ी फायर हो गई है यहाँ पे. मस्त अंदर प्रसाद भी है. Let's go eat some prasad and then we'll go music. Music badhiya chala rakha bhai. And it squeaks so loud. Yeah. Table sahi book kar liya aur hum sahi time pe aa gaye. Lambi bheed ho gayi ab to. Aur ye program bahut hi badhiya tha. Uske baad mein khana bhi tha lekin do cheezon ki kami thi. Ek to Sundar Mundri ye gaana nahi chal raha tha. Wo Sakshi ne pura kar diya. Ab ye बाद में चला दिया सुंदर मंदिर ये. और प्रसाद के बाद खाने के बाद आइसक्रीम का मन कर गया था तो वी केम टू मैकडॉनल्ड्स. सामने ही था यहाँ पे. इतनी दूर जाके बैठ गया डाइटिंग कर रहा है. कह रहा मैं नजदीक भी नहीं आऊंगा. खानी पड़ेगी जाएगी जबरदस्ती. जबरदस्ती खानी पड़ेगी. नजदीक आके बैठ जाऊंगा तो यार ये बड़ी टेम्प्टिंग लग रही है. थोड़ी सी. हाँ ये थोड़ी है. इससे क्या दूँ मैं थोड़ी बने मुँह में. बच्चे के लिए छोड़ दो यार. वो इतनी तो पड़ी है मूठ के मुँह में. जीरा ये फ्लाइंग बिस्किट के अंदर सही में बिस्किट उड़ रहे थे. भीड़ बहुत थी लेकिन बढ़िया था रेस्टोरेंट. दिखाएं भाई क्या है. फ्राइड टमाटर. फ्राइड हरे टमाटर. यार एक तो सही रही है चीज़ यार. लाओ यार टेस्ट करा पहले करके देख लो क्या है. ये तो कोई दाल सी लग रही है ऊपर. हैं नॉट गुड. ओके आई वाज एक्सपेक्टिंग इट टू बी मोर जूसी एंड टमाटरी.
ओ भाई यहाँ तो बड़ी, कल तो इतनी भीड़ नहीं थी लेकिन मकर संक्रांति गाड़ियां खड़ी हैं बहुत ज्यादा यहाँ पे, तो आज तो गाड़ी की पार्किंग भी बड़ी मुश्किल मिलने वाली है लग रहा है मेरे को। हाँ पतंगे भी उड़ रही हैं। हाँ क्योंकि क्या है, जैसे लोहड़ी होती है नॉर्थ इंडिया में मेनली, क्या है हरियाणा पंजाब दिल्ली इसके आसपास की जगहों पे लोहड़ी होती है, लेकिन जो मकर संक्रांति सेलिब्रेट होती है वो इंडिया में बहुत ज्यादा होती है सेलिब्रेट, तो इसलिए आज बहुत ज्यादा लोग हैं पार्किंग की जगह, पूरा पार्किंग लॉट फुल है भाई। पीछे हमारे भी तो गाड़ी है, ऐसे कैसे पीछे ले लें। लेट्स सी भाई पार्किंग मिलेगी या नहीं मिलेगी। लोगों ने तो बाहर जहाँ बाहर लगा सकते थे लगा दी है, बट उसमें थोड़ा रिस्क होता है, टिकट भी मिल सकती है और आते आते गाड़ी को फिर लगने लगने का भी डर होता है। कोई यहाँ पे देखो कहाँ कहाँ गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। लोग पीछे से ही अपने वो लेके आ रहे हैं लोगों को पार्किंग लगवाने के लिए, क्या करें फिर, अब है तो नहीं स्पॉट। जी फाइनली कोई आया भाई, हमारे को पार्किंग मिली है। यार आज लग रहा है भाई फेस्टिवल, पूरा शार्लेट थीम पे यार। वो देख कितनी बड़ी पतंग है। बच्चे और साक्षी भी इसी लाइन में लगे हुए हैं, वो भी अंदर गए हैं मेरे ख्याल से, पहुंच गए होंगे अभी, पतंगे लेकर आएंगे अंदर से। वो बदल गया। मस्त माहौल है भाई, मस्त गाने चल रहे हैं यहाँ पे, पूरा लोग है ना भरा पड़ा है, पार्किंग लॉट में सिर्फ पतंगबाजी हो रही है, पूरा भरा भरा मस्त माहौल है। कोई ने पापा ने उड़ा ली। अबे यार बड़ा ही खराब कागज है यार पतंग का, जैसे ही एक जरा सा खींचता हूँ पतंग जरा सी खींचते ही फट जाती है। अबे यार चीकू यहाँ रखी थी पतंगे गायब हो गई, तेरे यहाँ तो रखी थी सीरियसली चिकू। अबे यार ओके यहाँ पे फन तो चल रहा था अभी बहुत ही बढ़िया, हमारे पांच पतंगे लेकर आए थे वो कुछ खास बढ़िया नहीं निकली, जरा सी उड़ती थी फट है। हाँ चार तो उसमें से फट गई, मतलब उड़ाते उड़ाते जरा सी उड़ाते फट जाती थी, और एक चिकू के साथ साथ से गायब हो गई, कैसे हो गई आई डोंट नो। साक्षी अभी गई हुई है और पतंगे लेने के लिए, लेकिन क्या है कि ये पार्किंग लॉट है यहाँ पे, और अभी अनाउंसमेंट ये है कि पार्किंग लॉट से सबको हटना पड़ेगा क्योंकि लोगों ने बाहर रोड पे गाड़ियाँ रख दी थी, वो उठा उठा के ले जा रहे हैं, बट्टो हो रही हैं गाड़ियाँ, तो यहाँ पे मूव करनी पड़ेगी और यहाँ खाली करना पड़ेगा, तो आई डोंट नो कि और पतंग लेने का फायदा है या नहीं। ओके वी गॉट मोर काइट्स, पतंगे और आ गई हैं, उस तरफ चलते हैं वहाँ पीछे की तरफ, वहाँ जाके उड़ाएंगे। काई पोछे गुजरात में बोलते हैं। वन लेडी सर ये चीटिंग होती है, जो ये चीटिंग होती है, आप इंडिया से आए हो इसीलिए सारे काइट निकाल रहे हो। ही इज कटिंग अदर काइट्स, फिर वो बोल रही है चीटिंग है ये, आपको सब कुछ पता है। यार पीपल ट्राई टू कट अदर पीपल्स काइट्स, यस दैट्स व्हाट हैपेंस, दैट्स द गेम, व्हेन यू फ्लाई योर काइट यू कट अदर काइट्स, वी हैप्पी विद या ये डेड बॉडी हमारी है। Hey!
कई लोग इंडिया से अपना मांजा लेके आया, हमने तो यहीं से खरीदा ना, ये तो कुछ ठीक ठाक सा आया तो सारा रंग ही हाथ में आ गया। वो कई लोग इंडिया वाला लेकर आए, वो ऐसे करते जरूर टच होती है कट जाती है पता। ये आइए भाई, छोटे भीम वाली ये उड़ेंगी। और बताओ, कागज वाली ना बहुत पतला कागज है एक्चुअली। अभी मुझे लगता है भाई यहाँ पे पतंगबाजी तो शाम तक चलेगी, हमारे को 2-3 घंटे हो गए हैं, आप थक चुके हैं, यहाँ से निकलते हैं। मेरी उंगलियाँ ऐसे कट के खून खून, अभी भी ऐसे खून की तरह लग रही है, लाल हो गई है, खून नहीं है, सिर्फ डोर का निकला हुआ रंग है। तो उत्तरायण जो है उसमें सूरज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सन आ जाता है, तो बोलते हैं कि सर्दी ख़त्म, अब जो है दिन लंबे होने शुरू हो जाएंगे, विच इज़ वेरी एक्साइटिंग। मौसम भी थोड़ा सा ठीक होने लग जाएगा, मतलब टुवर्ड्स बेटरमेंट। पिंक है, हाथ भी पिंक है और ये टोपी भी पिंक कर दी।